हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो डे। आज मैं आपको सोलो पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट की कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूं जो मेरे पास है। मैं एक पैराग्लाइडिंग पायलट हूं और मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूं कि सोलो पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड उनकी क्या कॉस्ट है इंडिया के अंदर। पैराग्लाइडिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इंडिया के अंदर, स्पेशली सोलो पैराग्लाइडिंग। एंड उसके बारे में काफ़ी लोगों को ज़रा आइडिया नहीं है कि इसकी क्या कॉस्ट होती है। एक रफ़ आइडिया लोगों को काफ़ी होता है बट उनको ये पता नहीं होता कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं एंड ये आप कब खरीद सकते हैं ये या कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट लेते हैं तो आपको उसके लिए एक बैग चाहिए होता है जो आपको ख़रीदना पड़ता है, और ये नॉर्मल बैग जैसे नहीं होता है। बैकपैक काफ़ी बड़ा बैकपैक होता है ये। तो जैसे आप देख सकते हैं ये बैकपैक है, इसके अंदर पूरा मेरा इक्विपमेंट है। एंड ये इक्विपमेंट का जो वेट है वो रफली 17 kgs है। नॉर्मल केस के अंदर 15 to 20 kgs का आपका बैकपैक बनता है पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट का, जो कि सोलो होता है। तो इस बैग से स्टार्ट करते हैं। ये बैग है एप्को एविएशन कंपनी का। ये इसराइल की कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। और इसमें ये बैग जो मैंने परचेज़ किया है ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से, और ये मेरे को रफली 8500 का पड़ा है। आज की डेट में ड्यू टू कस्टम ड्यूटी वगैरह कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रा हो गई हैं, तो उसकी वजह से रफली 11 or 12000 का पड़ता है ये बैग। अब इसको अंदर खोलते हैं। किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है आपका हेलमेट। स्पेसिफिकली पैराग्लाइडिंग के लिए हेलमेट ये प्लस मैक्स कंपनी का है। रफली इसकी कॉस्ट है 14000। इसके आगे अलग से फेस कवर लगता है जो कि एडिशनल मिल जाता है। जो हेलमेट है वो स्पेसिफिकली ये पैराग्लाइडिंग के लिए, तो ये बहुत ही लाइट वेट है। ये कार्बन फाइबर का बना होता है या ऐसे मटेरियल का बना होता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन बहुत ही लाइट वेट होता है। इसका वेट रफली आप मान लीजिए 200-250 ग्राम से ज़्यादा का नहीं है। और इस टाइप के और भी हेलमेट्स आते हैं जो कि दूसरे कंपनीज के हैं, जो कि सस्ते हैं। ये थोड़ा प्रीमियम कंपनी है तो इसलिए ये थोड़ा महंगा है, अदरवाइज़ आपको 7-8 हज़ार रुपये में हेलमेट मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके जो हैंड एसेसरीज़ वगैरह, आपके ग्लव्स, जो नॉर्मली आपको कोई भी ग्लव्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप नहीं भी यूज़ करोगे तब भी ओके है, बट अगर आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा ज़रा आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, आपका ग्रिप भी अच्छी रहती है, एंड अगर थोड़ा एयर में ठंडक होती है तो उसमें भी आपको बेनिफिशियल होता है। ये रफली आपको 500 to 1000 rupees के आसपास मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कोई भी गोप्रो या एक्शन कैमरा। ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत रिकमेंडेड होता है कि ये आपके पास हो, कि हर फ्लाइट में आपका फ़्लाइट लॉग हो जाए, पूरी डिटेल आ जाए फ्लाइट की। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपको फ़्लाइट में पता लगता नहीं कि क्या आपके साथ हो रहा है, वो बाद में आप वीडियो में देखते हो तो तब आपको पता लगता है। इसकी कॉस्ट 10000 से लेके 35000 के आसपास है। गोप्रो बेसिकली आपको 30000 के आसपास आता है, एंड दूसरे वाले MI के कुछ कैमराज एक्शन कैमराज हैं जो आपको 20 के आसपास मिल जाएंगे। तो एवरेज कॉस्ट इसकी 20000 है। पैराग्लाइडिंग में आपको एक रेडियो की ज़रूरत भी पड़ती है। अभी मेरे पास रेडियो नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ। रेडियो वॉकी टॉकी जिसको बोलते हैं वही रेडियो है, एंड रेडियो में आपको लाइसेंस फ्री रेडियो यूज़ करना पड़ता है। अगर आप कोई दूसरा रेडियो यूज़ करते हैं तो वो टेक्निकली इलीगल है एंड उसके लिए आप जेल भी जा सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे रेडियोज़ आते हैं जो कि लाइसेंस फ्री होते हैं, कम पावर के होते हैं बट उनकी रेंज ठीक ठाक होती है, 1 to 2 kilometers मिल जाती है। नॉर्मल लाइसेंस फ्री रेडियो जो इंडिया में अवेलेबल है वो रफली आपको 9 to 10000 rupees में पेयर मिल जाएगा, एंड वो काफ़ी अच्छा है, रेंज भी ठीक ठाक रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका विंड सॉक। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो रिबन लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। विंड सॉक का मेन फंक्शन ये होता है कि विंड की डायरेक्शन बताने के लिए और विंड की स्पीड क्या है एक आइडिया देने के लिए।
तो विंड सॉक आप लगाएं या रिबन्स भी आप लगा सकते हैं कोई डंडी पे, स्टिक पे या किसी भी चीज़ पे। तो अभी ये मेरे पास विंड सॉक है, इसकी कॉस्ट 1500 रुपीज़ है। ये स्पेशल पतले मटेरियल से बना होता है, जिससे जो पैराग्लाइडर है वो भी उसी का सेम का मटेरियल होता है ये। तो इसकी कॉस्ट 1500 रुपीज़ है और ये ऑप्शनल है, बट आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके आता है विंड मीटर। विंड मीटर भी ऑप्शनल है, लेकिन शुरू शुरू में अगर आप ट्रेनिंग में हैं, उसके बाद शुरू में फ्लाइंग करते हैं, तो अगर आपको विंड का आइडिया नहीं है तो इससे विंड का आपको आइडिया हो जाता है। एंड ये आपको लाइव विंड दिखाता है, डायरेक्शन नहीं बताता है लेकिन आपको लाइव विंड बता देता है। तो विंड किलोमीटर्स में, माइल्स में, जिसमें भी आप देखना चाहें, या मीटर्स पर सेकेंड में आप देखना चाहें, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है। विंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पैराग्लाइडिंग में। विंड की एक रेंज के बाद आपको फ्लाई नहीं करना होता है। नॉर्मल विंड मीटर अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़ के आसपास आ जाता है, 1000 से 1500 के बीच में। अमेजोन पे भी मिल जाता है ये। अब हम इस बैग को खोलते हैं। सबसे पहले जो आपको बाहर दिख रहा है ये आपका पैराग्लाइडर है। उसके पहले, पैराग्लाइडर के पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पैराग्लाइडर किस चीज़ में अटैच होता है। ये आपका पैराग्लाइडर है और ये आपका हार्नेस। इसको साइड में रख देते हैं। ये आपका हार्नेस है, ये आप पहनते हैं पहले, और इसके बाद आपका ग्लाइडर इसमें अटैच होता है। इस हार्नेस के बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अगर आप देखें, ये हार्नेस, अलग अलग टाइप के हार्नेस आते हैं। ये है एप्को का ही हार्नेस है, एप्को एविएशन कंपनी का हार्नेस है, और इसकी कॉस्ट रफली 50,000 रुपीज़ है। ये 60, 70, 80,000 तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का हार्नेस है या उसमें क्या प्रोटेक्शन लेवल है या किस चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर बेसिक यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सस्ता होगा, एडवांस लेवल के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इस हार्नेस के साथ अलग से आपको कैरेबिनर लगाने पड़ते हैं, जो कि ये हैं। ये कैराबिनर आपके ग्लाइडर पे अटैच होते हैं, बेसिकली ये हुक हैं जिसको कैराबिनर बोलते हैं। तो ये कैराबिनर आपके ग्लाइडर के साथ अटैच होते हैं। ये सेट इसके साथ नहीं आता, ये अलग से आपको परचेज करना पड़ता है। इसकी कॉस्ट रफली 5000 अ पेयर आती है। अगर आपको मैं थोड़ा सा आगे इसमें दिखाऊं, तो इसमें एक ऑप्शनल स्पीड बार आती है, जो कि थोड़ा एडवांस लेवल पे यूज़ होती है। ज़रा डिटेल नहीं बता सकता अभी आपको मैं। एंड इसकी कॉस्ट रफली 2500 के आसपास है। इसके साथ अलग से आप एज अ ऑप्शनल फुट रेस्ट परचेज कर सकते हैं इसमें लगाने के लिए, जिसकी कॉस्ट रफली 1500 से 2000 रुपीज़ आती है। पैराग्लाइडर के हार्नेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि आपका होता है रिज़र्व पैराशूट। इसमें रिज़र्व पैराशूट नीचे लगा होता है, इस साइड लगा होता है। ये इसका हैंडल है रिलीज़ करने के लिए। जब आप कोई डेंजर में होते हैं या कुछ ऐसे लगता है कि जैसे आपका पैराग्लाइडर कोलैप्स हो गया है, तो आप इसको खींच के एंड रिज़र्व पैराशूट आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर रिज़र्व पैराशूट नीचे की साइड दिया हुआ है। रिज़र्व पैराशूट नॉर्मली अलग अलग टाइप का आता है, एंड ये 3 टाइप के रिज़र्व पैराशूट आते हैं। एक राउंड आता है, एक स्क्वायर आता है और एक ट्रायंगल आता है। राउंड वाले थोड़े सस्ते पैराशूट्स होते हैं, जो कि 35,000 की रेंज में आ जाते हैं। स्क्वायर वाले 40-45 एंड 60-70 आते हैं ट्रायंगल वाले। ट्रायंगल वालों का बेनिफिट ये होता है कि उसको आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आप लेके जा सकते हैं। एंड राउंड एंड स्क्वायर वाले आपका लक है कि विंड आपको कहाँ लेके जाती है और वहाँ आपको लैंड करना पड़ता है उसके साथ। तो ये आपका हो गया हार्नेस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पैराग्लाइडर। पैराग्लाइडर्स बहुत टाइप के आते हैं और अलग अलग रेंज के आते हैं। वो फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल के होते हैं। तो जो मेरे पास है
वो बिगनर टू मीडियम मॉडरेट लेवल का पैराग्लाइडर है। इसके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन होती है ENA, ENB, ENC और END से। तो जो स्टार्टिंग वाले जो होते हैं, जो बिल्कुल ही बिगनर होते हैं, वो ENA यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ENB वो लोग यूज़ करते हैं जो बिगनर से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, एंड CND सारे प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास ENB पैराग्लाइडर है। ये कंपनी स्काई कंट्री है। बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें आती हैं, जिसमें टॉप लेवल पे आपका ओजोन है, एप्को है, न्यूविक है, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज हैं आती हैं। जो पैराग्लाइडर है उसका एक अलग से बैग आता है जो आपको परचेज़ करना पड़ता है। नहीं भी परचेज़ करें तो भी ठीक है, लेकिन परचेज़ करें तो बेटर, आपका पैराग्लाइडर अच्छी तरीके से सेफ़ रहता है। इसको कॉन्सर्टीना बैग बोलते हैं, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 5,000 रुपीज़, 7,000 रुपीज़ के आसपास आती है। और ये बैग में आपका बिल्कुल स्ट्रेट एंड सिक्योर पैराग्लाइडर रहता है अंदर। पैराग्लाइडर की जो कॉस्ट है वो स्टार्ट होती है 1,50,000 के आसपास से, जो ENA का है। रफली इसके आसपास ही ENB भी मिल जाता है आपको 150-170 के आसपास। उसके आगे फिर एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो आप एक पैराग्लाइडर की मान सकते हैं वो रफली 150 से 2 लाख के बीच के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा पैराग्लाइडर ले रहे हैं और आप किस पोजीशन पे हैं अभी। पैराग्लाइडर को खोल के मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाऊंगा, थोड़ा और डिटेलिंग बताऊंगा इन सब के बारे में। अभी आपको सिर्फ मैं इक्विपमेंट की कॉस्ट के बारे में बता रहा हूँ। एक दो चीज़ें और ऑप्शनल होती हैं पैराग्लाइडिंग के अंदर, जो कि थोड़ा एडवांस लेवल पे आप ले सकते हैं, मतलब बिगनर से एडवांस में, जो कि उसमें एक है जिसको बोलते हैं वेरियो। वेरियो आपको बेसिक ये बताता है कि आप क्या हाइट है और आप कितनी हाइट गेन कर रहे हैं और आप कब सिंक कर रहे हैं, कब आप नीचे आ रहे हैं। तो वेरियो आपके हेल्प करता है और प्लस थर्मलिंग में हेल्प करता है। थर्मलिंग एक कंसेप्ट है जिससे आप हॉट एयर जो नीचे से ऊपर आती है उसके अंदर अराउंड आप घूमते हैं, उससे हाइट गेन करते हैं। तो उसमें वेरियो काफ़ी हेल्प करता है आपकी। एक चीज़ और आती है इसके अंदर, वो आता है फ्लाइट डेक। फ्लाइट डेक वो होता है जिसमें कि आप आगे अपने, जो मेरे पास अभी है नहीं, जो कि आप पैराग्लाइडर के साथ आप आगे लगा सकते हैं अपने हार्नेस के साथ, उसमें आपको सब अपना मोबाइल, वेरियो और बाकी सब चीज़ें आप वहाँ रख सकते हैं, ताकि आपको डायरेक्शन एंड बाकी सब जनरल अवेयरनेस रहे चीज़ों की। एंड इवन आप कुछ कैरी करना चाहें तो वो भी आप उसमें कैरी कर सकते हैं। तो ये सब इक्विपमेंट है जो पैराग्लाइडिंग में काम आता है। एंड इसका आपको मैं एक बार अगेन कॉस्ट रिव्यू देता हूँ। आई होप आपकी ये बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा इसकी कॉस्ट के बारे में। इसके नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊँगा, इसको खोल के भी दिखाऊँगा। अभी मैं पैराग्लाइडर खोल नहीं सकता क्योंकि काफ़ी विंडी है, क्योंकि इसको खोलने के बाद दिक्कत ये आती है कि फिर इसको बंद करना बड़ा मुश्किल होता है विंड के अंदर। नेक्स्ट मैं आपको इसमें ओपन भी करके दिखाऊँगा, इसके बारे में बताऊँगा क्या मटेरियल है, ये किस तरीके से ये चीज़ें हैं, एंड आप कैसे सीख सकते हैं सोलो पैराग्लाइडिंग, कहाँ से सीख सकते हैं, ये भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। Oh, 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 oh